हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को उर्दू कवायद पढ़ाने जा रही हूँ। उर्दू कवायद को पढ़ाने के लिए मैं हिस्सों में तकसीम की हूँ। पहला, जिसमें कवायद का बयान और हरूफ के मुतालिक इल्म, हरूफ तहजी, हरूफ के अकसाम, ये पढ़ाई हूँ। आज मैं आप लोग को हिस्सा दो पढ़ाऊँगी, जिसमें लफ्ज़ का बयान है। सबसे पहले हम जानेंगे लफ्ज़ का बयान। लफ्ज़ किसे कहते हैं? लफ्ज़ इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। जैसे किताब, कलम, स्कूल, खाना, उठना, बैठना वगैरह। जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि हरफों के मजमुओं को लफ्ज़ कहते हैं, या हरफों के मिलने से लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ दो तरह के होते हैं, बामाना लफ्ज़ और बेमाना लफ्ज़। बामाना लफ्ज़ वैसा लफ्ज़ जिसके कोई माना समझ में आता हो, जिससे कोई माना समझ में आता हो। तो बच्चों, बामाना लफ्ज़ के माना क्या हुआ? वैसा लफ्ज़ जिसके कोई माना समझ में आता हो, बामाना लफ्ज़ कहते हैं। बामाना लफ्ज़ जैसे अगर हम बोलते हैं किताब, रोटी, खाना, पीना, नमक, झूठ वगैरह, ये सब समझ में आ रहा है कि हम खाना के बारे में बोल रहे हैं, हम नमक के बारे में बोल रहे हैं जो खाने की चीज़ है, हम रोटी बोल रहे हैं जो खाने की चीज़ है। झूठ यानी किसी बात को अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसके बारे में हम बोल रहे हैं, इससे समझ में आता है कि ये मानादार लफ्ज़ है, माना है। बामाना लफ्ज़ को ही मौजू और कलमा भी कहते हैं। बच्चों, बामाना लफ्ज़ को मौजू और कलमा भी कहते हैं। अब बेमाना लफ्ज़। बेमाना वैसा लफ्ज़ जिसका कोई माना नहीं हो, वैसा लफ्ज़ को हम बेमाना लफ्ज़ कहते हैं। बेमाना लफ्ज़ जैसे अगर हम बोलते हैं रोटी वोटी, नमक उमक, झूठ मूठ। इन मिसालों में रोटी तो हमको समझ में आती है, मगर वोटी इसका तो कोई माना नहीं होता। उमक ये तो कोई माना नहीं है इसका, मूठ ये तो रोटी माना लफ्ज़ हुआ, मानादार लफ्ज़ हुआ, मगर वोटी उमंग मूठ बेमाना लफ्ज़ है। ये सब क्या है? बेमाना लफ्ज़ है। बेमाना लफ्ज़ को मुहमिल कहा जाता है। बच्चों, बेमाना लफ्ज़ को ही मुहमिल कहा जाता है। इसको अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेना और याद कर लेना।